Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Microsoft Word का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करना है. Students, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को. लास्ट क्लास हमने जाना था क्लिपबोर्ड के बारे में और फॉन्ट के बारे में. जितने भी ऑप्शंस थे Microsoft Word के फॉन्ट से रिलेटेड और क्लिपबोर्ड के रिलेटेड, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे. अब हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ वाले ऑप्शंस को. तो जानेंगे इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है आपका बुलेट्स. बुलेट्स क्या होती हैं? जहां भी आप अपने पॉइंट्स को मेंशन करते हैं वहां पे हम बुलेट्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि आप यहां पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको कई तरीके के, कई स्टाइल में आपको बुलेट्स देखने को मिलेंगे. आप इनमें से जो डिज़ाइन आपको पसंद आए बुलेट्स के लिए, अपने पॉइंट्स के लिए, आप उन बुलेट्स को चूज़ कर लीजिए. जैसे मेरे को ये पसंद आया तो मैंने इसे चूज़ कर लिया. इस पर क्लिक करिए, यहाँ देखिए आपका बुलेट आ गया है. अब यहाँ पे आप जो भी टाइप करना चाहते हैं अपने लाइन को, मैं फ़िलहाल डेमो टेक्स्ट ऐसे ही टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से. आप एंटर करिएगा, देखिए अगला पॉइंट भी आ जाएगा. एंटर करेंगे तो पॉइंट आते जाएंगे, ठीक है. अगर आप चाहते हैं अब पॉइंट ना आए तो आपको क्या करना है, दो बार एंटर प्रेस करना है तो पॉइंट से आप हट जाएंगे. देखिए पहली बार एंटर किया, फिर सेकेंड टाइम एंटर किया. इस तरीके से आप बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे. सेम टू सेम ऐसे ही है अगला आपका नंबरिंग ऑप्शन, ठीक है. नंबरिंग के अंदर आपको क्या मिलता है, 1-3 नंबरिंग मिल जाएंगी, ये इस तरीके की नंबरिंग, और ABC 1-3 ABC, कुछ रोमन काउंटिंग्स में नंबर, ये सब आपको मिल जाएगा. ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये वाला 1-3 ले लेता हूँ और इसके बाद टाइप करूँगा, एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली नंबर चेंज होके आ जाएंगे. ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा बुलेट्स और नंबरिंग क्या होती है और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है. अब बात करते हैं अगला ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट की, ठीक है. मल्टी लेवल लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं ध्यान से देखिएगा. मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर होता ये है कि किसी भी चीज़ का पार्ट अगर आपको दिखाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर मेरे को एनिमल्स नेम भी दिखाने हैं और फ्रूट्स नेम दिखाने हैं, वेजिटेबल्स नेम दिखाने हैं, उसके पार्ट्स बना बना के मेरे को लिस्ट तैयार करनी है. मल्टी लेवल लिस्ट एक तरीके की, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे. ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से कोई भी एक, जैसे फ़िलहाल मैं ये वाली मल्टी लेवल लिस्ट चूज़ कर लेता हूँ, या आप ये वाली चूज़ कर लें, जो भी आपको पसंद आए वो चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है. फ़िलहाल मैं ये चूज़ कर लेता हूँ. यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आ गया. अब मैं यहाँ लिखता हूँ पहले एनिमल्स नेम, तो मैं हेडिंग डालता हूँ एनिमल्स नेम. ओके, अब मैं यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है. इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखिए ऐसा आया. अब मेरे को एनिमल्स नेम लिखना है, मतलब एनिमल्स नेम का कुछ पार्ट, एनिमल्स नेम लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट्स में तो नहीं लिख सकते हैं, आप टैब का यूज़ करिए. आप जैसे ही एक बार टैब का बटन दबाएंगे वैसे ही इसके अंदर चले जाएंगे. देखिए कुछ इस तरीके से अंदर आ गए. अब आप यहाँ पर लिख लीजिए जो भी आपको नाम लिखने हैं कुछ इस तरीके से. ओके, ठीक है. अब जैसे ही मैंने एक बार एंटर किया, अब मेरे को वापस से बाहर निकलना तो एक बार और एंटर करना पड़ेगा. देखिए मैं एक बार और एंटर किया और इस वाले रो में आ गया. अब मेरे को क्या लिखना है, वेजिटेबल्स नेम या फ्रूट्स नेम, तो मैं फ्रूट्स नेम लिख देता हूँ. ओके, एंटर करता हूँ. अब इसके अंदर जाना है फिर टैब दबाइए. अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्रूट्स नेम में ग्रेप्स, मैंगो. ओके, इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं. अब जानते हैं अलाइनमेंट्स के बारे में. हमारे पास बेसिकली फोर टाइप्स के अलाइनमेंट्स होती हैं. मैं इसे फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ. ये देखिए नीचे आई हुई हैं फोर टाइप्स की अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई. इसका क्या यूज़ होता है अच्छे तरीके से सीखते हैं. मैंने आपको पहले बता रखा था कि इसमें किस तरीके से पैराग्राफ लिखा जाता है, तो फिलहाल मैं एक पैराग्राफ यहाँ टाइप करने जा रहा हूँ. इज इक्वल स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन, कितने पैराग्राफ चाहिए मेरे को, 5 पैराग्राफ चाहिए, और मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, मेरे पास 5 पैराग्राफ आ जाएंगे. इसके बाद अभी देखिए जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ये किस साइड से स्टार्ट हो रहा है, पूरा लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है. मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए पूरा, तो आप सेंटर अलाइनमेंट को चूज़ करिए तो देखिए पूरा सेंटर में आ जाएगा. मैं चाहता हूँ राइट साइड से स्टार्ट हो तो राइट पर क्लिक करिए, देखिए राइट साइड में आ जाएगा ये. ओके, अब ये जस्टिफाई का क्या यूज़ है, हमने बात करी थी वर्ड पैड के अंदर जस्टिफाई, मैं आपको वर्ड में बताऊँगा. तो चलिए अभी सीखते हैं इस जस्टिफाई का क्या यूज़ होता है. फिलहाल मैं ये लेफ्ट कर लेता हूँ. अब इधर देखिए जो लेफ्ट साइड में ये जो लाइन है आपकी एकदम स्ट्रेट आ रही है इस साइड से. अब इधर देखिए
आगे पीछे सारी लाइंस हो रखी हैं। मैं चाहता हूँ दोनों तरफ से ये सिस्टमेटिक एकदम स्ट्रेट हो जाए, जिससे कि इसका लुक एंड यूआई यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा दिखने लग जाए। तो आप क्या करेंगे, जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से भी स्ट्रेट हो गया और यहाँ से भी स्ट्रेट हो गया। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं जस्टिफायर का। ओके, अगर आपसे कोई पूछे अलाइनमेंट क्या होती है तो आप उन्हें बताएंगे अलाइनमेंट से हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो लेफ़्ट से स्टार्ट हो, सेंटर से, या फिर राइट से, या जस्टिफाई दोनों साइड से। ओके, तो फोर टाइप्स की अलाइनमेंट होती है आपकी, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। इसको शॉर्टकट की के थ्रू भी किया जा सकता है। कंट्रोल एल से आप लेफ़्ट करोगे, कंट्रोल आर से राइट होता है, कंट्रोल ई से सेंटर कर सकते हो, और कंट्रोल जे से जस्टिफाई। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा नोट्स का, आप वहां जा कर के पढ़ लीजिएगा नीचे, और उस नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसके अंदर है आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर क्या होता है कि आप दो लाइन के बीच के दूरियों को बढ़ा सकते हो, और पैराग्राफ के दो पैराग्राफ के बीच को दूरियों को बढ़ा सकते हो। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे दो लाइन की बात करने वाला हूँ, तो फिलहाल मैं इन सब पैराग्राफ को अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, चलिए पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, इनके बीच की लाइनों को देखिए। यहाँ से देखिए 3.0 कर रहा हूँ तो देखिए बढ़ रही है, और कम कर रहा हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से कम हो रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके, अगला देखिए, आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्पेस को। देखिए ऐड स्पेस बिफोर मतलब पहले ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप ऊपर स्पेस अगर ऐड करना चाहते हो तो देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ कर रहा हूँ, देखिए ऊपर स्पेस आ रहा है, ये देखिए क्लिक किया, देखिए ऊपर स्पेस आ गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सिलेक्शन देखिए ऊपर तक हो गई है। अगर मैं इसी को अभी हटा दूंगा तो देखिए सिलेक्शन देखिए ऊपर से कम हो गई। अब इसी तरीके से देखिए, अभी नीचे बिफोर पैराग्राफ ऐड हो रखी है, मैं इसे हटाना चाहता हूँ, सॉरी आफ्टर पैराग्राफ देखिए ऐड हो रखा है, इसे रिमूव करिए, देखिए यहाँ से कम हो जाएगा। आया समझ में आपको, दो पैराग्राफ का स्पेस कम करने के लिए और दो लाइन के बीच का स्पेस कम करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे, पैराग्राफ का यूज़ स्पेस कम करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगला, इंडेंट। मैंने आपको बोला था इंडेंट भी हम इसी में करेंगे, तो ये आपका डिक्रीज इंडेंट, ये आपका इंक्रीज इंडेंट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए आगे आएगा, टैब की तरह इसका यूज़ किया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, ये है आपका शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है, अगर आप किसी भी लाइन को कलर पूरा करना चाहते हो, जैसे कि अभी देखिए मैं जिस लाइन में कर्सर है वो लाइन पूरी की पूरी आपकी कलरफुल हो जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे गया, ये देखिए कोई सा भी आप कलर चूज़ कर लीजिए, और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, जो भी आपको टाइप करना सेंटर में रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आया समझ में, अगर आप पूरे पैराग्राफ को करेंगे तो पूरा पैराग्राफ भी आपका कलर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रेंट लिख के एंटर किया, 3 पैराग्राफ आया, इसको मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कलर फिल कर लेता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। आई थिंक आ गया होगा आपको समझ में शेडिंग का यूज़ क्या होता है। अब सीखते हैं जरा बॉर्डर्स का यूज़। ठीक है, बॉटम बॉर्डर, बॉर्डर का यूज़ क्या होता है अच्छी तरीके से सीखेंगे। जैसे कि अभी देखिए, मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूँ 2-3, जैसे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट। फ्रूट्स और कॉपी कुछ भी लिख लिया, इन तीनों को करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ जाता हूँ और नीचे देखिए बॉटम बॉर्डर लिखा है, तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए बॉटम से बॉर्डर आ जाएगा, नीचे से। मैं चाहता हूँ ऊपर से बॉर्डर आए तो देखिए टॉप बॉर्डर करिए, देखिए टॉप से बॉर्डर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ लेफ्ट से आए तो देखिए लेफ्ट से आ जाएगा, और अगर आप राइट से चाहेंगे तो राइट से भी आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। नीचे ऑप्शंस मिलते हैं, नो बॉर्डर कर दोगे तो सारे बॉर्डर्स आपके हट जाएंगे जो भी हैं। मैं चाहता हूँ अंदर से बॉर्डर आए, या फिर ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर मतलब सारे बॉर्डर एक साथ आ जाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं इसे नो बॉर्डर करके वापस से हटा देता हूँ। इसके बाद ये देखिए इनसाइड बॉर्डर, अंदर से बॉर्डर चाहिए तो इनसाइड बॉर्डर पर क्लिक करिए, देखिए अंदर से आपको बॉर्डर्स मिल जाएंगे। और जो नीचे के हैं ये मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें से बॉर्डर हटा देता हूँ, इसे नो बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट की। इसे क्या कहा जाता है, शॉर्ट। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, बाय द वे, अगर आपको अल्फ़ाबेटिक नेम्स को अरेंज करना हो
तो आप इसका यूज़ करोगे, या फिर नंबर को आपको अरेंज करना हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप इसका यूज़ करोगे। जैसे कि फ़िलहाल मैं आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आपने बोर्ड की लिस्ट देखी होगी तो उसमें ए नाम वाले पहले होते हैं, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, फिर डी नाम वाले, ठीक है। तो वो किससे किया जाता है, शॉर्ट से लिखा जाता है। फ़िलहाल मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ लिख के। जैसे मैंने यहाँ दिनेश लिखा, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ चेतन, और यहाँ लिखता हूँ अंकित, यहाँ लिखता हूँ बबलू। देखिए मैंने ए बी सी डी, ए बी सी डी आगे पीछे करके लिखा है, सेलेक्ट करिए, शॉर्ट पे जाइए और असेंडिंग ऑर्डर को चूज़ करिए और ओके करिए। देखिए ये ध्यान से देखिएगा, अरेंज हो जाएंगे, पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी और डी। ओके करता हूँ, ये देखिए ए बी सी डी आ गया। आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पे गया और ओके करता हूँ तो देखिए उल्टा हो गया, डी सी बी ए। आया समझ में आपको, ठीक है। चलिए फिर आगे सीखते हैं, जो स्टाइल वाला देखिए आपका ऑप्शन है, इसे आप अभी स्किप कर दीजिए, इस पूरे स्टाइल ऑप्शन को, इस ग्रुप को, इसे हम आगे सीखने वाले हैं रेफरेंस के अंदर। ओके तो चलिए आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, ठीक है। ये भी आई थिंक आपको आता ही होगा, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, क्योंकि हमने ये वर्ड पैड में कंटेन किया था। फिलहाल इसमें भी एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक पैराग्राफ है, और बाय द वे इस पैराग्राफ के अंदर ना एक डॉक्यूमेंट नाम का मेरे को वर्ड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आप फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उस वर्ड को लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है, लिखा। जैसे ही आप लिखेंगे वो सारे वर्ड हाईलाइट हो जाएंगे जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स लिखा होगा। अब मैं चाहता हूँ जो ये डॉक्यूमेंट लिखे हैं ना, ये गलती से लिख गए हैं, इसकी जगह ना मेरे को कंप्यूटर लिखना था, लेकिन गलती से मैं डॉक्यूमेंट लिख दिया। अब आप क्या करोगे, एक एक करके तो चेंज करोगे नहीं, अगर एक एक करके आप चेंज करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपने इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को फाइंड कर लिया, ठीक है। आप इसे रिप्लेस पे जाके क्लिक करना है, और रिप्लेस विद वाले ऑप्शन में जा करके कंप्यूटर लिख लेना है, जिस मतलब जिससे भी आप रिप्लेस कर सकते हो, करना चाहते हो, जिस वर्ड से आप रिप्लेस करना चाहते हो। और रिप्लेस ऑल के बटन पे क्लिक करिए और यस कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट था सब कंप्यूटर में चेंज हो गया है। आप यहाँ जाइए सर्च में, सॉरी फाइंड में, और कंप्यूटर टाइप करिए, देखिए जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट था वहाँ कंप्यूटर आ गया होगा। ये देखिए आ गया, यहाँ डॉक्यूमेंट से देखिए कंप्यूटर आ गया, ठीक है। तो आज हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम मेन्यू हो गया पूरा ख़त्म। और अच्छा एक रह गया ये सेलेक्ट, सेलेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, सेलेक्ट ऑल का आपको ऑप्शन मिलता है, सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सेलेक्ट ऑल जैसे कट कर दीजिएगा, आप करिएगा हो जाएगा सेलेक्ट ऑल। तो इस तरीके से सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है सेलेक्ट ऑल की, फाइंड की कंट्रोल एफ, रिप्लेस की कंट्रोल प्लस एच होती है, ठीक है। तो हमारा होम पूरा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो होम के टॉपिक्स में तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।